अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह उठते साथ ही मैं बाहर का व्यू देखती हूँ और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हवा भी चल रही है और मैंने अभी नाश्ता नहीं करा है, अभी नाश्ता बनाऊँगी मैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी रात में, अभी तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, सो रहे हैं। रात को थोड़ी ख़राब हो गई थी और बस अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। और अभी मैं नाश्ता बनाऊँगा, अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि रात भर जागते रहे, नींद नहीं आई उन्हें सही से, तो अभी सो रहे हैं और मैं भी उन्हें उठाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। मेरी सिस्टर भी नहीं आई थी कल, वो रुक गई थी वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो इसलिए वहीं पे रुकी हुई है। अभी वो आई नहीं है, आ जाएंगी इंशाल्लाह। और आज मेरी बर्थडे है, आज मेरी बर्थडे है और सेलिब्रेट तो खैर नहीं करती मैं, बस छोटा मोटा। मेरी बड़ी मेरी जो सिस्टर गई हुई है उनको ज़्यादा होती है केक मंगा लें, ये कर लें वो कर लें, अपनी बर्थडे को करें, तो आएंगी वो, देखें क्या होता है। और बस मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए मैं नाश्ते का सोचती हूँ और इनको उठाती हूँ, कैसी तबीयत है देखती हूँ इनकी, ठीक है। और आप लोग को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में भी मेरी वीडियोस शेयर करिएगा। चले ठीक है, मैं अपने काम आगे बढ़ाती हूँ। और अभी मेरा भी उठने का दिल नहीं कर रहा था लेकिन बस उठ गई क्योंकि दीदियर मैं सो नहीं सकती, मुझे टेंशन होती है, ज़्यादा देर नहीं लेट सकती मैं, शुरू से ही आदत है जल्दी उठने की, तो बस ये है। हालांकि घर में कोई इतना काम होता नहीं, फिर भी मुझे फिक्र रहती है जल्दी उठना और जल्दी सोना ना, ये हमारे मेके से ही हमें मिला है। और यहाँ पे भी ससुराल में भी ऐसे ही सिस्टम है, सब जल्दी उठते हैं जल्दी सोते हैं। और बाज़ घरों में तो खैर बहुत देर तक के लोग जागते भी हैं और देर से उठते भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में ऐसा नहीं है, ठीक है। चले मैं अपना नाश्ता स्टार्ट करती हूँ और फिर आज की पूरे दिन की जो की रूटीन होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, किसी को मेरी सालगिरह याद रहे या ना रहे, लेकिन मेरी सिस्टर, ये वाली सिस्टर जो है ये याद रखती हैं। और मेरे बहनोई जो इनके शौहर हस्बैंड थे दोबैर भाई, वो भी मेरी सालगिरह को याद रखते थे और विश बहुत करते थे वो भी। और मेरे लिए ये केक पेस्ट्री लेकर आई है, केक तो नहीं पेस्ट्री लेकर आई है, हर दफ़ा केक होता है लेकिन मैं आज घर में नहीं थी इसलिए भी मैं ये छोटी सिस्टर की तरफ थी अभी। और आज हमारा प्रोग्राम है, वो सरप्राइज है, हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। वैसा केक नहीं था, ये देखे ये लेकर आई है मेरी सिस्टर मेरे लिए,
आज रहते थोड़ा सा। थैंक यू सिस्टर, वेलकम। Happy birthday to you. थैंक यू। अब की सारी बहनें मसरूफ थी, इस वजह से ज़्यादा एहतमाम नहीं करा। जब बहनें होती थी फिर ये के साथ करते हैं ज़रा बड़ा एहतमाम। बस तबीयतें भी ऐसी थी। भी खिला जो। अरे मेरी सालगिरह थोड़ी आने वाली है, मेरी सालगिरह। बस हम बहने ही आपस में ये सब कर लेते हैं कि थोड़ी छोटी छोटी खुशियां जो है एंजॉय कर लेते हैं इसमें। और फ्रेंड हम यहाँ गोलगप्पे खाने आए हैं। दो प्लेटें गोलगप्पे की बना लिएगा, वीडियो बनाऊंगी तो कोई वो तो नहीं। दो प्लेटें गोलगप्पे। ये देखें हम यहाँ गोलगप्पे खाने आए हैं, कई दफ़ा आए लेकिन ये शॉप बंद मिली हमको, सुबह में आते ना। तो अब यहाँ के ये ज़रा मशहूर गोलगप्पे हैं। और हम मैं और मेरी सिस्टर आए हैं, आज हम अपनी बर्थडे यहाँ मनाने आए गोलगप्पे खा के। ये हम शमा पे आए हैं, और हम वेट कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है, वेट कर रहे हैं गोलगप्पे बन रहे हैं। सुबह में आते हैं ना तो हॉस्पिटल से ज़रा करीब ही है, ये मेरे सिस्टर का हॉस्पिटल करीब है ना, तो हम लोग जल्दी आ जाते तो बंद होती शॉप में। आज हम अपनी बर्थडे मनाने यहाँ निकले हैं, आज हम अपनी बर्थडे मनाने यहाँ निकले हैं। अपने हस्बैंड को घर में छोड़ के उनके लिए पार्सल बना के ले जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से ये भी गोलगप्पे खाने के लिए आए हुए हैं मेरे फ्रेंड्स। और चले आप लोग एंजॉय करें, ठीक है। इन्होंने भी बोला कि हमारी भी वीडियो बनाए। ये देखिए हमारे गोलगप्पे बन के आ चुके हैं। हम इसको खाएंगे, मेरी सिस्टर बहुत शौक से ये खाती हैं, इसलिए आज इनको मैं ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई हूँ कि चलो बाहर चल के हमें इस बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए। वैसे तो अक्सर आते हैं हम यहाँ पर, आज मैं ख़ास तौर पर इनको लेकर आई हूँ। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी है, आज आप लोग भी खा लें। आज हम फजूल खर्ची करने निकले, अजयाशी करने। अरे गोलगप्पे कहाँ गए, गोलगप्पे कहाँ गए हमारे। हम गोलगप्पे खा चुके हैं और अभी हमने छोले की एक प्लेट मंगाई है, और वैसे प्लेट तो भर गया इससे, अब आज के आगे खा लेंगे। ये देखिए हमारी छोलों की एक प्लेट आ चुकी है और हम दोनों शेयर करेंगे, मैं और मेरी सिस्टर। और ये मेरे बोले पेट भर गया लेकिन ये है दिल नहीं भरा चाहे खाने। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए पार्सल बनवा दिया है, उनकी भी फरमाइश थी कि लेते आना।
पे बैठे हुए हैं, घर जा रहे हैं। ये पुलिया के नीचे से निकल रहे हैं। कचरा देखें, ये हमारा नीचे का है। हमारे पौधों में माशाल्लाह से पपीते आ रहे हैं और ये देखें अभी पीले नहीं हुए हैं। और फ्रेंड्स, आज मैंने और मेरी सिस्टर ने खूब इंजॉय किया करा। हम लोग गोलगप्पे खाने चले गए थे और हम लोग वैसे तो जाते रहते हैं लेकिन अभी काफ़ी दिनों बाद गए थे गोलगप्पे खाने, क्योंकि जिस टाइम हम सुबह के टाइम तो बंद होती हैं, 12-1-2 बजे तक के ये शॉप्स खुलती हैं और मेरी सिस्टर का हॉस्पिटल करीब है, वहाँ से तो हम लोग सुबह में ही हॉस्पिटल जाते हैं तो वो टाइम नहीं होता, दुकानें बंद होती हैं, इसलिए हम लोग शॉप्स बंद होती हैं तो हम लोग फिर वापस आ जाते हैं और गोलगप्पे खा नहीं सकते। इसलिए आज मेरी बर्थडे भी थी तो मेरी सिस्टर कह ली चलो आओ गोलगप्पे खाने चलते हैं, वहीं पर ही थोड़ी वीडियो बना लेंगे। और आप लोग को इंशाल्लाह मेरी आज की वीडियोज़ अच्छी लगेगी। और मेरे फ्रेंड भी थे जो वो भी गोलगप्पे खाने आए थे, वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं शायद, तो उन्होंने भी ख्वाहिश करी कि आप हमारी भी वीडियो बनाएं। वो अपने फादर के साथ थे बच्चे, और तो फिर मैंने उनकी भी वीडियो बनाई, बहुत खुश हुए। चले कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो लेकर आऊँगा। Peace.